नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे गन शॉट वुंड्स के बारे में तो ये हाई एनर्जी इंजरीज होती है बुलेट के कारण जो एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज करती है और कॉम्बिनेटेड बोनी फ्रैक्चर्स करती है ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमेरिका में यूथ में विंग कैपेबिलिटी बुलेट की डायरेक्टली रिलेटेड है टू काइनेटिक एनर्जी डैमेज कॉज होता है बाय पासिंग ऑफ मिसाइल फिर सेकेंडरी शॉक वेव आता है और फिर कैविटेशन होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है इंजरी का विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी और एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रैक्चर हो सकता है इवन विदाउट डायरेक्ट इम्पैक्ट एसोसिएटेड कंडीशन देखें तो लेड इंटॉक्सिकेशन हो सकता है प्लम्बिजम यह इंट्रा आर्टिकुलर मिजाइल के कारण हो सकता है सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी, एनीमिया एमसेस और एब्डोमिनल कोलिक गनशॉट शॉट हिप और एसिडेबुलम में कॉमनली एसोसिएटेड है विद बा परफोरेशन वैस्कुलर इंजरी या यूरोजेनाइटल इंजरीज क्लासिफिकेशन देखें तो लो वेलोसिटी, इंटरमीडिएट वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी इंजरीज होती है लो वेलोसिटी में मजल मुझ, वेलोसिटी लेस देन 350 फिफ्टी मीटर्स पर सेकेंड होती है या लेस देन 1200 फीट पर सेकेंड ये मोस्ट हैंडगन्स की इंजरी होती है एक्सेप्ट मैगनम वेबल होता है टू तो गस्टेलो एंडरसन टाइप वन या टू इंटरमीडिएट वेलोसिटी इंजरी होती है थ्री फिफ्टी टू सिक्स फिफ्टी मीटर्स पर सेकेंड या बारह सौ से दो हज़ार फीट पर सेकेंड ये शॉर्ट गन के ब्लास्ट में देखा जाता है तो ये हाईली वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट ये रिफ्लेक्ट करता है वुंडिंग पोटेंशियल ऑफ हाई वेलोसिटी फायर आर्म फ्राम क्लोज रेंज लेस देन ट्वेंटी वन फीट या मल्टीपल लो वेलोसिटी वेपन्स वंटैमिनेशन या इन्फेक्शन विद क्लोज रेंज इंजरीज होता है ड्यू टू शॉर्ट गन वैडिंग वोटेंशियल डिपेंड करता है तीन फैक्टर पे शॉर्ट पैटर्न लोड मी साइज ऑफ इंडिविजुअल पैलेट और डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट हाई वेलोसिटी इंजरी में मजल वेलोसिटी मोर देन सिक्स हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड या मोर देन टू फीट पर सेकेंड होता है मिलिट्री असोल्ट और हंटिंग राइफल से होता है वन कंपेरेबल होता है टू तो गस्टिलो एंडरसन टाइप थ्री रिगार्डलेस ऑफ साइज इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत हाई होता है ये होता है सेकेंडरी टू वाइट जोन ऑफ इंजरी एंड डीवाइटिलाइज टिश्यू प्रेजेंटेशन देखे तो सिम्प्टम्स में पेन डिफॉर्मिटी होती है फिजिकल एग्जाम में परफॉर्म करना चाहिए केयरफुल न्यूरो वैस्कुलर एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए भी देखना चाहिए ये इंक्रीज मसल एडिमा से होता है हायर वेलोसिटी से एग्जामिन और डॉक्यूमेंट करना चाहिए ऑल एसोसिएटेड वुंड्स मैसिव बोन और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आकर होती है इवन विद लो वेलोसिटी वेपन एक्सरे में आइडेंटिफाई करते हैं बोन इन्वॉल्वमेंट और फ्रैक्चर पैटर्न और बुलेट अंदर है या नहीं सीटी स्कैन में आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल इंट्रा आर्टिकुलर डिटेक्ट करते हैं हॉलो विस्कस इंजरी जो कम्युनिकेट करती है विद फ्रैक्चर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होता है फॉर पेल्विक एंड स्पाइन फ्रैक्चर्स इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ एसोसिएटेड बावल इंजरी होता है तो जनरल ट्रीटमेंट देखे तो लोकल वुंड केयर देना चाहिए लो वेलोसिटी इंजरीज में बोन इन्वॉल्व नहीं होती और क्लीन वंडेज होते हैं लोकल केयर टेटनस शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं इंडिकेशन देखें तो लो वेलोसिटी इंजरी विद नो बोन इन्वॉल्वमेंट या नॉन ऑपरेटिव फ्रैक्चर्स टेक्निक देखें तो प्राइमरी क्लोजर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है एंटीबायोटिक यूज कॉन्ट्रोवर्शियल है बट करंटली रिकमेंडेड है अगर वो कंटेमिनेटेड अपीयर कर रहा है तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देखें तो नॉन ऑर्थोपेडिक इंजरीज के लिए होता है जैसे कि ट्रांस एब्डोमिनल ट्रेजेक्ट्री हो तो एब्डोमिनल ऑर्गन इंजर हो सकते हैं टेक्स ओवर जॉइंट जॉइंट केयर तो पहले करते हैं इंजरीज के पहले टू सेव लाइफ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन या एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हैं इंडिकेशन है अनस्टेबल ऑपरेटिव फ्रैक्चर पैटर्न लो वेलोसिटी गन शॉट इंजुरी में ट्रीटमेंट डिक्टेट होता है बाय फ्रैक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू क्लोज फ्रैक्चर विदाउट गन शॉट वोड स्टेबिलाईज करते हैं एक्सट्रीमिटी को विद एसोसिएटेड या इंजरीज स्टेबिलाईज करते हैं सॉफ्ट टिश्यू को हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी गन शॉट इंजरी में ग्रॉस कंटेमिनेटेड या डीवाइटिलाइज वोड मैनेज करते हैं विद एग्रेसिव डिब्राइडमेंट एज पर ओपन फ्रैक्चर प्रोटोकॉल सब डेड मसल निकालना पड़ता है आथरोटोमी के इंडिकेशन है इंट्रा आर्टिकुलर मिजाइल ये लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं आर्थराइटिस और लेड इंटॉक्सिकेशन जिसे प्लम्बिजम कहते हैं गनशॉट वुंड तो एक्सप्लोर करना ही पड़ता है तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में सर्जिकल डिकम्प्रेशन और बुलेट फ्रैगमेंट रिमूवल के इंडिकेशन है अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रेजेंट होता है जो कोर होता है विद एक्सरे ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन अगर रिटेन बुलेट फ्रैगमेंट है स्पाइनल कैनाल के अंदर इन पेशेंट्स विद इनकम्प्लीट मोटर डिफिसिट, तो ये रिलेटिव इंडिकेशन होता है सर्जिकल एक्सेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स के लिए तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए शेयर बटन दबाइए और हमारे एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद